Assalamualaikum everyone, welcome to the PhoneWorld Live. This is Saad Ahmed and in this video, I will basically not review or unboxing, but this video is a bit different which we usually do videos on this channel. Because in this video, I have recently Mobile World Congress 2021 Shanghai, in which OPPO has showcased its tech showcase, and I will discuss it about it. So maybe many of you don't know that MWC basically happens, what is it, where it happens and why. So MWC is basically Mobile World Congress, in which all tech companies showcase all tech companies in the coming year, what devices are coming, IOT devices related, or future, whatever tech related stuff is, they showcase it there. So in this year, in MWC, OPPO has presented all the tech in the future and whatever their IOT related devices भी इस साल आएंगी उनको भी वहां पर शोकेस किया है लेकिन इससे पहले कि मैं उन सारी डिवाइसेस के बारे में आपसे डिस्कस करूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि मे बी आप में से काफी लोग ये जानते हो कि OPPO एक स्मार्टफोन ब्रांड है लेकिन आप में से शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा कि OPPO इज नॉट एक्चुअली ओनली अ स्मार्टफोन ब्रांड बल्कि OPPO ने अभी रिसेंटली अपना ज्यादा फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स आईओटी डिवाइसेस एज वेल आईओटी डिवाइसेस इज बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इससे रिलेटेड वो सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम में कनेक्टेड होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं जिसमें हमारे स्मार्ट वॉचेस आ जाती हैं ईयरबड्स आ जाते हैं जो कि हम यूजुअली अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके रखते हैं तो इसी तरह OPPO ने भी अपनी स्मार्ट वॉचेस ईयरबड्स वायरलेस हेडफोन्स और स्पेशली एक नई मजे की चीज लॉन्च की है जिसको नाम दिया जा रहा है AR ग्लासेस बाय OPPO तो खैर मैं इन सब चीजों का आगे जाके बारी-बारी डिटेल में डिस्कस करूंगा लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग OPPO की जितने फीचर्स हैं या वो कौन सी बेस्ट चीज है जो कि OPPO के डिवाइसेस में स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सो टॉकिंग अबाउट द करंट बेस्ट फीचर जो कि OPPO अभी करंटली ऑफर करता है अपने कंज्यूमर्स को वो है OPPO का फास्ट चार्जिंग का फीचर जो कि आपको OPPO की तकरीबन आजकल की तमाम डिवाइसेस में मिलता है यस मैं बात कर रहा हूं OPPO के 65 वॉट सुपर वूक फास्ट चार्जिंग के बारे में जैसा कि अभी रिसेंटली OPPO ने अपनी लेटेस्ट डिवाइसेस लॉन्च किए पाकिस्तान में अपर मिडरेंज कैटेगरी में जिसमें OPPO Reno 5 OPPO Reno 5 Pro आ जाता है तो ये दोनों फोन्स OPPO की सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं जो कि 65 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं जो कि फ्रॉम 0 टू 100% सिर्फ तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर आपके फोन को चार्ज कर देते हैं जो कि आई डोंट थिंक अभी तक मार्केट में कोई और स्मार्टफोन ब्रांड अभी तक फास्ट चार्जिंग में OPPO को कम्पीट कर पाया है बट अब इस फास्ट चार्जिंग के फीचर को OPPO और भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है क्योंकि इस MWC पर OPPO ने अपनी वायरलेस कॉन्टेक्टलेस एयर चार्जिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि आई थिंक IoT के इकोसिस्टम में स्पेशली लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और इस साल प्रोबेबली OPPO कुछ ब्रांड कोलेबोरेशन के साथ अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करेगा डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जिसमें इन्होंने मेंशन की है वोल्क्सवैगन जो कि एक फेमस कार ब्रांड है मे बी आप में से काफी लोग जानते होंगे उनके साथ और इसके अलावा एंकर के साथ जिसके थ्रू ये लोग कोलेबोरेशन में कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करेंगे जिसके थ्रू ये होगा कि आपकी जो फास्ट चार्जिंग का स्पेशली फीचर है वो सिर्फ आपके फोन्स तक महदूद होकर नहीं रहेगा या फोन के ऑर्डिनरी चार्जर के साथ ही महदूद रहेगा बल्कि आपकी इवन अगर कार्स आती हैं तो कार चार्जर के थ्रू पावर बैंक्स में बल्कि अब एक्सपेक्टेड है क्योंकि अब मैंने आपको रिसेंटली जैसे कि बताया कि इनके वायरलेस कॉन्टैक्टलेस चार्जर्स आएंगे तो वायरलेस एयर चार्जिंग में भी ये फीचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और IoT डिवाइसेस से रिलेटेड एक बहुत अमेजिंग सी डिवाइस OPPO ने इंट्रोड्यूस किया जो कि बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जिसका नाम है OPPO 5G CPE Omni वेल ये बेसिकली एक मॉडर्न डिवाइस है जो कि 5G सपोर्ट करती है जिसके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज अवेलेबल है जैसे कि डाउनलोड स्पीड इसके अंदर आपको काफी मैसिव डाउनलोड स्पीड मिली है जो कि अराउंड 6.78 जीबी पर सेकेंड तक की स्पीड ये आपको ऑफर करेगा यानी कि आप फुल लेंथ 4K मूवी तकरीबन 7 टू 8 सेकेंड्स के अंदर ऑलमोस्ट डाउनलोड कर सकेंगे और इस मॉडेम डिवाइस के साथ आप अराउंड 1000 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकेंगे तो आई थिंक मॉडेम्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी अपग्रेडेशन होगी अगर OPPO इसको लॉन्च कर देता है कमर्शियली वैसे तो इस साल दे शोकेस्ड मल्टीपल IoT डिवाइसेस ऑन दिस MWC कॉन्फ्रेंस लेकिन मैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और प्रोबेबली आई थिंक आप भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इसी एक डिवाइस के बारे में होंगे जो कि OPPO अपना लेटेस्ट रोलेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद इस साल कमर्शियली भी मार्केट में अवेलेबल होगा सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस रोलेबल स्मार्टफोन जो कि OPPO लॉन्च करने जा रहा है वेल मैं आपको बताता चलूँ ये रोलेबल स्मार्टफोन बेसिकली दो सबस्ट्रेट्स पर मुश्तमिल होगा जो कि आप बटन एक साइड पर होगा जिसको प्रॉबर्ली आप स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करेंगे तो आपकी जरूरत के मुताबिक वो उसका डिस्प्ले एक्सटेंड होगा या फिर उसका डिस्प्ले कॉन्ट्रैक्ट होगा वापस यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के दौरान या अगर आप वैसे ही अपने फोन को फुल स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो आप एक बटन होगा साइड पर जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका आपकी स्क्रीन जो सी है वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी जो कि प्रॉबेबली एक टैबलेट की शेप फॉर्म कर लेगी जिससे फिर आपके डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मजीद एनहेंस हो जाएगा जो कि आई थिंक काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जो कि इन्होंने डेमो वीडियो भी शो की है प्रॉबेबली आप भी अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते होंगे कि स्पेशली अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या अगर आप कोई भी वीडियो या मूवी देखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय करें
तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये फीचर। और क्योंकि अभी स्मार्टफोन रेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड सक्सेसफुली इस ट्रेंड को लॉन्च कर देता है मार्केट में कि फोल्डेबल रोलेबल, जिसके थ्रू बेसिकली आपके फ़ोन का डिस्प्ले साइज बड़ा हो जाए और इससे फ़ोन के डिस्प्ले पर कोई हार्मफुल इफेक्ट भी ना हो। तो आई थिंक ओप्पो का जो शोकेस किया गया मॉडल, अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, क्योंकि मेन कंसर्न और मेन चैलेंज यही है अभी स्मार्टफोन कंपनीज का कि चलो डिस्प्ले तो एक्सटेंड हो जाएगा किसी टेक्निक के थ्रू, आइदर फोल्ड करके या रोल करके, लेकिन क्या उससे कोई डिस्प्ले पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब डिस्प्ले की स्ट्रेंथ तो नहीं उससे वीक होगी। तो यहाँ पर इस वीडियो के मुताबिक ओप्पो यूज़ करेगा अपने डिस्प्ले के नीचे हाई स्ट्रेंथ का स्टील लेमिनेट, जो कि काफ़ी मजबूत होगा और उसकी थिकनेस भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जो कि ओनली 0.1 mm थिक होगा, जिससे कोई आपके वेट पर भी स्मार्टफोन के फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन उससे होगा ये कि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टील मेड होगा, तो उससे आपके डिस्प्ले पर ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेशक अगर आप उसको रोल करते हैं बार बार। तो कंपनी का मेन फोकस यही है कि उससे डिस्प्ले पर कोई फर्क ना पड़े। तो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है इसके बारे में कि अगर तो ओप्पो सक्सेसफुली इस फोन को लॉन्च कर देते हैं और अगर फोन के अंदर हार्डवेयर में स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होने की वजह से अगर फोन को कोई ऐसा सच डिस्प्ले में फर्क नहीं पड़ता, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा मार्केट में, क्योंकि फिर अब अपकमिंग फोन में स्मार्टफोन रेस होगी सिर्फ फोल्डेबल स्क्रीन्स की या रोलेबल स्क्रीन्स की। और सेकेंडली इस MWC 2021 के अंदर ओप्पो का जो सबसे ज्यादा फोकस रहा था वो इसके फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर रहा था, जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ओप्पो अभी तक फास्ट चार्जिंग में तो काफ़ी आगे है ही, मतलब सुपर वूक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी ओप्पो काफ़ी अच्छे से कम्पीट कर रहा है, लेकिन अभी वायरलेसली कॉन्टैक्टलेस स्पेशल जो इन्होंने टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, क्या उसमें भी ये लोग फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? और उसमें भी मे बी आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे हो, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्मार्टफोन ब्रांड्स ने वायरलेस चार्जिंग ऑल दो इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन उसके अंदर आप अगर स्पेसिफिक अपनी पोजीशन में रखते हैं फ़ोन को, आइदर स्क्रीन फेसिंग या बैक फेसिंग, तब फ़ोन चार्ज करता है। लेकिन अभी ओप्पो का मेन टारगेट ये है कि कोई कॉन्टैक्ट ही ना हो, मतलब किसी चार्जर से आप अगर चार्जर को प्लग इन करते हैं अपने स्मार्टफोन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में, तो रेडिएशंस के थ्रू प्रॉबली आपका फ़ोन चार्ज कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसको कॉन्टैक्टलेस एयर चार्जिंग का नाम दिया गया। और अगर चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओप्पो ये भी कमिटमेंट पूरी कर देता है, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल चार्जिंग में भी फास्ट चार्जिंग में कोई और ब्रांड इतना कम्पीट नहीं कर पाया ओप्पो से, तो आई थिंक वायरलेस कॉन्टैक्टलेस एयर चार्जिंग पहली होगी जो कि ओप्पो इंट्रोड्यूस करेगा मार्केट में। तो अब देखना यह है कि कब तक ये रोलेबल डिवाइस और ये फास्ट चार्जिंग कॉन्टैक्टलेस एयर चार्जिंग वाले डिवाइसेस मार्केट में ओप्पो कब तक लॉन्च करता है, क्योंकि इससे आई थिंक मार्केट में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और लोगों का इंटरेस्ट टुवर्ड्स ट्रेडिशनल मार्केट से इन नई टेक्नोलॉजी पे कब तक जंप करेगा देखते हैं। सो गाइस, ये थी MWC 2021 के अंदर ओप्पो की शोकेस टेक। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी और स्पेशली डू लेट मी नो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं इस रोलेबल स्क्रीन के बारे में स्पेशली। और आई थिंक जहाँ तक बात रही वायरलेस कॉन्टैक्टलेस एयर चार्जिंग की, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि एयर चार्जिंग वाला फीचर कैसे काम करेगा और क्या स्पीड देगा। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फिर वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।